Rahim. As I said to you that every week we're going to get the best of the best persons. Now, the promise what I have committed, now I'm going to have that. Mr. Muhtasham Ali Khan. Now, I would like to say that the person doesn't need any recognition. All over the world, people knows who is Mr. Muhtasham Ali Khan. But I would love to tell him, Mr. Hyderabad, Mr. India, Mr. Universe. He was among six. Mr. World, you know, he was the second silver medal. I will tell you, this is the brief thing. I will tell you each and everything about this great personality. Trust me, when I met him, I thought something else. But after talking to this gentleman, I realized he's very humble, very great guy. Now, by this, I just want to welcome each and everyone all over the world who are watching this views. Please appreciate and please do welcome Mr. Muhtasham Ali Khan Saab. Thank you very much indeed. It's a privilege and honor, bhai. Thank you so much. मुदेश्याम भाई, सिंस हमारे बीच आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्योंकि आपसे हम कमिटमेंट ले चुके हैं कि आप 10 मिनट हमें देंगे, तो इसकी वजह से हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है भाई, चलेगा. देखिए मुदेश्याम भाई, 2008, 2009 और 2010 जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो युद्ध जो चाह रही थी वो आप दिए, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा आप कारनामा करें, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है 2008 में चैंपियन, 2009 2010, बट आपके अल्फाज अगर हमारे टीवी को बताएंगे तो अच्छा रहेगा. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के बीच यहाँ पर मुझे बिठाया, और टीवी 99 का फहीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये तय किया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये एक फ्रेम में लाएं और लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाएं. तो मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन आपने मुझसे कहा कि 2008 कैसा रहा, 2009 2010 2008 में मिस्टर वर्ल्ड के लिए मैं तैयारी कर रहा था. 2007 से तो मेरा टारगेट था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को कोई मेडल दिलाऊं, और मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैं कुछ ना कुछ करूं. तो मैं 15 साल से जब मेहनत कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं मिस्टर आंध्र प्रदेश लिया, मिस्टर हैदराबाद लिया, मिस्टर साउथ इंडिया लिया, मिस्टर इंडिया में प्लेस लिया. तो मेरा टारगेट था कि इंटरनेशनल, हर बॉडी बिल्डर, हर स्पोर्ट्समैन का एक टारगेट होता है कि वो इंटरनेशनल तक जाए, अपने आप को मनाए. तो मैं उस वक्त 7 घंटे मेहनत करता था, 7 आवर्स मैं मेहनत करता था. लोग देखते थे कि बॉडी बिल्डर सुबह और शाम में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं दोपहर में भी वर्कआउट करता था. मेरा एप्स के लिए और मेरा काफ मसल वीक था, उसके ऊपर मैं मेहनत करता था, और उसके साथ साथ मैंने अपनी डाइट को चेंज कर दी थी. मैं बॉइल्ड फूड लिया करता था, ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया था. मैं हाई प्रोटीन फूड लिया करता था, बॉइल्ड एग्स है, चिकन है, फिश है, ग्रीन सलाद है, ऑरेंजेस है, और आपके ओट्स है. मैं ये लेके कंपटीशन के लिए मैं तैयारी कर रहा था, और आप यकीन जानिए कि उस वक्त सन अपने स्टीम बाथ का उतना कल्चर नहीं था, मगर हैदराबाद में स्टीम बाथ का कल्चर नहीं था. तो मैं सन बाथ लिया करता था अपनी बॉडी के मसल को और अपनी स्किन को शाइन करने के लिए. आधा घंटा मैं, आधे से पौन घंटा मैं सन बाथ भी लिया करता था. तो एक डेडिकेशन था, एक डिसिप्लिन था, क्योंकि मुझे, मेरे को ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, इंडिया के लिए मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं और मेडल लेके आऊं. तो वो बात दिमाग में चल रही थी. तो मैं सिर्फ जिम, घर और मेरा ऑफिस, रेलवेज में था तो मेरे ऑफिस को जाता था, जिम जाता था, घर पे रहा करता था. तो मैं सारा अपना टाइम बॉडी बिल्डिंग को दिया, और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला. और जब मैं आंध्र प्रदेश से सेलेक्ट हुआ, आपको जान के ये खुशी होगी कि जब जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने ये डिसाइड किया, माधव पुजारी साहब ने, कि मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया जाए. क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे कैप्टन भी बनाया गया. और कैप्टन बनने के बाद मैं हमारे एमपी साहब से मिलने गया था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एमपी थे, उनसे मिल के मैंने बताया, तो वाकई वो मुझे अप्रिशिएट किए. फिर उसके बाद जब मैं हैदराबाद से अमेरिका के लिए निकल रहा था नवंबर 2008,
तो वहाँ पर मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। एक बड़ी रैली की शक्ल में मुझे यहाँ से छोड़ा गया, जिस रैली को AK खान साहब उस वक्त एडिशनल कमिश्नर थे वो आए और असदुद्दीन अवैसी साहब आए, लोगों ने फ्लैग ऑफ किया और हुसैनी आलम से लेके शमशाबाद तक एक बड़ी रैली की शक्ल में मुझे ले जाया गया। यहाँ तक कि मैं जब जोहर की नमाज़ के बाद 2 बजे घर से मैं निकला तो आप यकीन जानिए मेरे को वहाँ से खिलवत तक जाने में असर का टाइम हो गया। हम लोगों ने असर की नमाज़ खिलवत में अदा की, फिर वहाँ से हम और आगे बढ़े, फिर मगरिब, फिर यहाँ तक के टाइम मेरा हो रहा था तो रैली को मदीना के ऊपर हॉल्ट करना पड़ा और रैली में से जितने लोग थे उनको हॉल्ट करते हुए मुझको दूसरी गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट ले जाया गया क्योंकि लेट हो रहा था मैं तो। लेकिन आप एक जज्बा था यंगस्टर्स में, एक मोहब्बत थी कि लोग, मैं जाने के बावजूद लोग बाइक के ऊपर शमशाबाद एयरपोर्ट पे आए और हर आदमी ये कह रहा था कि आप ज़रूर जीत के आएंगे। इतना बड़ा कंपटीशन है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अमेरिका के बॉडी बिल्डर्स तकरीबन वर्ल्ड के बॉडी बिल्डर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो कंपटीशन नेचुरल कंपटीशन होता है, तो वो उसके अंदर सब ये बोल रहे हैं कि मिल के आप जीत के आएंगे। तो मैं बहुत नर्वस हो चुका था कि भाई इतनी पब्लिक, इतने लोग मुझसे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक हर एक की ज़ुबान पे है कि आप ज़रूर जीत के आएंगे, तो वो मैं नर्वस हो गया। फिर बहरहाल यहाँ से गया, जाके मैं वहाँ पर देखा कंपटीशन से पहले वेइंग होती है, तो वेइंग के टाइम पे हर बॉडी बिल्डर का यूरिन टेस्ट होता है और उसके साथ वेइंग ली जाती है। उस वक्त मैं बहुत नर्वस था, बॉडी बिल्डर्स को देखा, इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स आए हुए थे, फिर मेरे ग्रुप में भी अच्छे तगड़े बॉडी बिल्डर्स आए थे, लेकिन मैं 7 घंटे वर्कआउट करके गया था। मैं देखा, देख के उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा बढ़ गया, मैं सोचा कि नहीं, मैं इनसे कॉम्पीट कर सकता हूँ, मैंने भी बॉडी बना के आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट डे कॉम्पिटिशन करा। मैं ये तमाम यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि अगर आपका रब अल्लाह से अगर है, अगर आप अल्लाह को पुकारेंगे मेहनत के साथ, मेहनत करके उसके बाद अगर आप अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह आप मुझे यहाँ से जिता के ले जाइए, मैंने ये दुआ की। और मेरे वालिद साहब मुझसे बार बार कहा करते थे, कुछ भी मुश्किल घड़ी हो या कोई आप काम कर रहे हो तो ये बार बार पढ़ना, हसबुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। मैं ये दुआ पढ़ा और भी दुआएं पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट डे मैं बेस्ट 10 बॉडी बिल्डर्स में सेलेक्ट हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये था। अब 10 में आ गए, फिर उसके बाद अब दूसरे दिन का ये होता है कि आपको बेस्ट 3 में आना है, तो उस वक्त बेचैनी बढ़ गई और रात का जो वक्त था उस वक्त इतनी बेचैनी बढ़ गई कि मैं सो नहीं पा रहा था कि मुझे 3 में आना है। फिर मैं वालदा को कॉल किया दुआ के लिए, फिर उसके बाद मैंने 2 रकअत नफिल नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मैं अल्लाह से दुआ करा, अल्लाह इतने लोगों की उम्मीद लगी हुई है और इतने लोगों की दुआएं हैं, तो अल्लाह से मैंने दुआ की। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन कंपटीशन किया। आप यकीन जानिए कि जब पोजिंग चल रही थी तो म्यूज़िक, हमारे पोजिंग के टाइम पे म्यूज़िक देते हैं, लेकिन उसके बाद म्यूज़िक उधर चल रही थी, लेकिन मैं जब पोजिंग दे रहा था लेकिन मेरा दिल अल्लाह की तरफ राग़िब था। मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मुझे यहाँ से जिता के वापस ले जा, मैं 3 में आना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जिता दे क्योंकि इतने लोगों की उम्मीद है, आप मुझे खाली हाथ मत करिए। मैं दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी स्टेज पे से उतरा, हमारे इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट वहाँ पर थे, माधव पुजारी साहब, मेरे करीब आके बोले, प्लेस कुछ भी मिलने दो, यू आर द बेस्ट और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आया कि मैं मिस्टर वर्ल्ड में सिल्वर मेडल मुझे हासिल हुआ, सिल्वर मेडल नहीं ब्रॉन्ज मेडल का ऐलान हुआ, ब्रॉन्ज मेडल 3rd पोजीशन पे मैं आ गया, वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ। और जब बंदा अल्लाह को रब्त करता है, अल्लाह से रब्त पैदा करता है, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा उसको देते हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट पहुँचा, मुझको कॉल आया कि आप सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नहीं है, सिल्वर मेडलिस्ट हो गए। मैं बोला कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया,
ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई मैं तो ब्रॉन्ज मेडल लिया, थर्ड पे आया, थर्ड से सेकंड किस तरीके से रिजल्ट होता, तो मैं यकीन नहीं किया। मैं पूछा कैसा, ऐसा कैसा हो सकता, तो वो लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपका तमाम बॉडी बिल्डर्स का यूरिन लिया था, तो जो चाइना फर्स्ट आया था उसको ड्यूप टेस्ट में डिबार कर दिया गया, उसने ड्रग्स लेके आया था तो उसको डिबार कर दिया गया। सेकंड जो आया था वो फर्स्ट हो गया, मैं थर्ड ब्रॉन्ज आया था, मैं सिल्वर मेडल हो गया। तो अल्लाह ताला जब बंदे को देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इस तरीके से देते हैं, तो मैं वहां पर मिस्टर वर्ल्ड में सिल्वर मेडल हासिल किया। देखिए दिस इज व्हाट, मैं आपसे थोड़ा इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड माशाल्लाह मोहतशाम अली खान साहब को सब पहचानते हैं, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में काफ़ी लोग हिंदी उर्दू पहचानते हैं, अपनी कौम ऑब्वियसली उर्दू में समझ सकती है, बट नो माई इंटेंशन इज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल फ्यू थिंग्स इन इंग्लिश। Please understand, first and foremost thing, what Mutisham bhai, what he said is, believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that is the first and foremost thing. Second thing, he has an attitude of gratitude, because he was talking about the person, you know, who's the Indian bodybuilder, federation coach. He just come and patted him and said that, Mr. Mutisham, don't worry about anything, whether you win or not, but the excellent body what you have all over the world they have seen, that's very nice of you. Apart from that, you please understand, I'm not trying to say about any Hindus or Muslims or Christian or any religion, but I'm loving the way what Mr. Mutisham Ali Khan had told. What he said is, he had offered prayers, he requested Allah subhanahu wa ta'ala, and he said that all over the India, people expect me to win some medal, and he has got this. That's very nice of you. Mutisham bhai, mera matlab isliye English mein ye kehna tha, kyunki all over world log sunenge, inshallah ta'ala wo samajh sakte hain, but main apne log ko isliye Urdu mein yehi bata raha hoon ki dekhiye, ek aise insaan jo ki Allah subhanahu wa ta'ala pe puri bharosa hai, puri kainat pe wo hukm karta hai, raj karte hain, to main aapse ye kehna cha raha hoon ki aise baniye. कि आप 2008 जिस तरह मोतीशाम भाई ये समझाए कि देखिए भाई मुझे कुछ करना है अपने हिंदुस्तान के लिए, और ये जिस तरह बताएं एक काबिले तारीफ बात है मोतीशाम भाई, वी आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह। ये यंग जनरेशन जो है वो डेफिनेटली आपके जो सजेशंस है उसको अच्छी ओपन वेलकम करेंगे। नाउ सिंस हम यहां पर आए हैं, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है मोतीशाम भाई, जो बच्चे जो आजकल जिम करते हैं, बट उनको आप किस तरह एक नसीहत देंगे कि वो एजुकेशन भी करिए और जिम भी करिए, जिस अगर आपकी तरह कोई बनना चाह रहा है तो उनको आप एजुकेशन के बारे में कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए हर फील्ड के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन इज मस्ट। इसके बारे में कुरान कहता है, पहली आयत जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतरी ऊपर, आप जब गारे हिरा में थे, जिब्रील अमीन आयत लेके आए और अल्लाह के नबी से कहा इखरा पढ़िए, तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं उम्मी हूँ मैं पढ़ा नहीं सकता। फिर अल्लाह के नबी को कहा, फिर कहा, तो अल्लाह के नबी तीन मरतबा नहीं पढ़ सकता बोले, चौथी मरतबा जिब्रील अमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, फिर उसके बाद कहा इखरा पढ़िए अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नबी ने पढ़ाना शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एजुकेशन मस्ट है, और कुरान की पहली आयत जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई वो पढ़ाई के बारे में है, पढ़िए। तो एजुकेशन, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, कोई भी स्पोर्ट्स के हो या कोई भी फील्ड के हो, एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल। आप अच्छा अगर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ते हुए आप स्पोर्ट्स करेंगे तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे, और आपका जो पोजीशन होगा, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप रेलवेज में हो, पोस्टल में हो, बैंक में हो, कहीं भी आप सर्विस करते हो, वहाँ पर एजुकेशन की बड़ी अहमियत होती है। और एजुकेटेड पर्सन, जो एजुकेटेड होता है, उसकी बात से और उसके कामों से ये मैसेज जाता है कि ये एजुकेटेड पर्सन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पढ़ाई को साथ लेते हुए और साथ में मेहनत करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने चार बातों के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, एक है पहला डिसिप्लिन, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है डिटर्मिनेशन, मैंने चौथी चीज़ ऐड की। तमाम नौजवानों से मैं हमेशा कहता हूँ, फिर एक बार कहता हूँ, मैंने एक डी ऐड किया है इसके अंदर, माँ बाप की दुआ। जो लोग माँ बाप की दुआ लेते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी सरफराज करता है और आखिरत में भी उनको अल्लाह ताला सरफराज करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ये तमाम चीज़ों के साथ, माँ बाप की दुआएं लीजिए, जो लोग माँ बाप की दुआ ले लीजिए,
जो वो जो लोग माँ बाप की दुआ लेते हैं वो लोग यहाँ पर भी वहाँ पर भी कामयाब होते हैं, और माँ बाप को जो राजी रखते हैं, समझिए जिनके माँ बाप राजी उसका अल्लाह भी राजी। तो इसलिए अपने माँ बाप को राजी रखिए, क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुरान कहता है अनिश्कुरुली वली वालिदाई, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। दूसरी जगह कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो। और तीसरी जगह कुरान क्या कहता है, तुम अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना। उफ क्या आयत आई है कुरान में? आजकल हम लोग इंटरमीडिएट 10 या डिग्री में आते माँ बाप से झिड़की से बात करते, माँ से मोहब्बत से ही बात करते, माँ कुछ कहती है तो हाँ नहीं करते जाओ, नहीं 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 खाते जाओ, हाँ देखेंगे, आवाज़ से बात करते हैं। मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूँगा, मेरी जो कामयाबी है 5 वक्त की नमाज माँ बाप की दुआओं की वजह से है, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है वो दीन की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से दी है। आप लोग मेहनत कीजिए, जो मेहनत करता है उसको कामयाबी मिलती है। कुरान की आयत है वो अल्लाह, अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देते हैं। तो मेरा जो सफ़र है, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल मुकम्मल कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, और मुझे खुशी है कि फ़हीम साहब इंटरव्यू लेके लोगों तक मेरी बात पहुंचा रहे हैं। मैं TV 99 का और फ़हीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इस नाचिस को भी याद किया। और यंगस्टर्स के लिए जो भी काम होगा इंशाल्लाह हम आपके चैनल के और आपके साथ है। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ व्हाट यू नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आई लव अबाउट मिस्टर मोदी शाह अली खान इज ही हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो अल्फाज बोलते हैं, जो एहसान मंद, वो पहले रहना चाहिए, और जो 4 D's बताए हैं, इफ़ यू कैन फॉलो दैट MashaAllah, most of you will be successful. Or by this, we just want to say big thank you, Mr. Shyam Bhai, because वक्त नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, you know, हम आपसे रिक्वेस्ट करे थे, आप अपना टाइम दिए, वी आर वेरी थैंकफुल। इंशाल्लाह ताला ये आपका जो मैसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखेंगे, और डेफिनेटली दे विल बी क्वाइट थैंकफुल। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और हम आपसे रुख्सत लेते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई। आप बोले हैं कि 27 साल से जो आप ये हार्डवर्क करें, डेफिनेटली अल्लाह सुबहाना ताला आपको और तरक्की दे। मैं सुना हूँ काफ़ी आपके फैंस नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आपको कैसा लगता है कि जब आप कोई कंट्री जाते हो तो किसी से मिलते हो और वो कहता है कि मुदेशा भाई बहुत इंस्पिरेशनल पर्सन है, आपको कैसा लगता है? देखिए, बहुत खुशी होती है, और खुशी के साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोग पहचान के मिलते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बंदा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले तो अल्लाह ताला बंदे को इज्जत देते रहता है। ये अल्लाह की तरफ की बात है, ज़िल्लत और इज्जत मिलना तमाम को मालूम है कि वो कुरान में क्या है कि इज्जत और ज़िल्लत का रहने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो मैं यही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और खुशी होती है। और कोई लोग मिल के फोटोज़ लेते हैं या कोई टिप्स लेते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। भाई, आपके कितने जिम्स हैं? मैं तो मानता हूँ आपका मकसद ये है कि काफ़ी इंडिया को अच्छी तरह फिज़िकली फिट करिए, बहुत अच्छी बात है। तो कितने जिम्स हैं आपके जहाँ आप अपना टाइम देते हैं? देखिए, हमारे तो कई ब्रांचेस थे, लेकिन मैं अभी 6 ब्रांचेस तक हमारे चल रहे हैं हैदराबाद में, और दूसरे स्टेट में भी चल रहे हैं। उसमें मैं नाम दिया हुआ हूँ, दूसरे लोग उसको चला रहे हैं। लेकिन वही आप जैसा बोले कि हमारा मकसद ये है कि बच्चे फिट रहें, और जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बनना चाहते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन के कंट्री को रिप्रेजेंट करे और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो माशाल्लाह से कई हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो आजकल वो ट्रेन कर रहे हैं, और मैं जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पर यंगस्टर्स को बॉडी बिल्डर। माशाल्लाह, ये थे हमारे मुदेशाम भाई। मुदेशाम भाई, मैं सिर्फ आपको 10 ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ 10 बज चुके हैं, बट यू नो, बट आई टेल यू वन थिंग गाइज, यू नो, आई हैव सीन ए हम्बल पर्सनैलिटी, इवन दो ही इज best world, you know, among, you know, he was the second, and you know, he has explained the story, you know, how he got selected for number 2 position, even though he won bronze, but when he was heading towards the airport, there he got a call,
The organizers told him that, look, gentlemen, you're not third, you're not won bronze, you've won silver. He was shocked, how it is possible? Then the fact was, there was something wrong for the person who got first. So that's where he got second for Mr. World. And you know, that's very nice of you. You have given your time. We are really thankful to Muthusham. We wish Allah subhanahu wa ta'ala all the rest of the day. Thank you very much.